जी नदीम भाई, बांग्लादेश आ गया बड़ी काविशों से, क्या मैसेज जाएगा इससे और क्या आप समझते हैं कि क्रिकेट इंटरनेशनल भाली में कितनी मदद मिलेगी? देखिए, बाय प्रोसेस बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है कि पहले श्रीलंका आई और अब बांग्लादेश आई। बीच में थोड़ा सा डाउट्स आ गए थे कि शायद बांग्लादेश नहीं आए, लेकिन मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड की अच्छी कोशिश है कि उनको ले आए इधर। और इससे यकीनन, क्योंकि जिस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है, यकीनन और भी बाकी टीमें भी यहाँ आना शुरू होंगी। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के आने से एक तो जो फैंस थे वो जो मिसिंग थी उनकी, कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं देख पा रहे, इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं देख पा रहे, काफ़ी हद तक उसको PSL ने कवर किया था, लेकिन अब फुल फ्लैज इंटरनेशनल क्रिकेट आई है, जिसकी वजह से पहले जिस वक्त हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो वहाँ टीमें आती थी फ़ौरन, तो साइड मैचेस मिल जाते थे, एक्सपोजर मिल जाता था, क्योंकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के दरमियान जो गैप है उसको वो साइड मैचेस कवर करते थे और एक एक्सपोजर मिलता था प्लेयर्स को। तो यहाँ प्लेयर्स की भी डेवलपमेंट होगी, साथ साथ क्रिकेट से जुड़े हर शख्स की जो है यहाँ डेवलपमेंट होगी। इवन आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी ग्रोथ रुकी हुई थी क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स को कवर नहीं कर पा रहे थे, तो अब उनके लिए भी अच्छा है, ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी अच्छा है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के आने से मेरे ख्याल से बिजनेसेस भी हर चीज़ डेवलप होगी, और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है कि बांग्लादेश की टीम इधर आई और हम उनको वेलकम करते हैं।